पठानपुरा गेट के बाहर स्थित शिव मोक्ष धाम शमशान भूमि में कोरोना रुग्णों के शव का अंतिम संस्कार 22 जाबाज कोरोना योद्धा एक परोपकार के कार्य के तहत कर रहे हैं। तो चलिए नजर डालते इस खबर पर। चंद्रपुर महानगर क्षेत्र में कोरोना की वजह से दुखद मृत्यु हुए रुग्णों का अंतिम संस्कार पठानपुरा गेट के बाहर इरई नदी के किनारे पर स्थित शिव मोक्ष धाम शमशान भूमि में किया जा रहा है और यहां पर सेवा कार्य करने वाले 22 जिगरबाज योद्धा मौजूद हैं। रुग्णों के पास रहना आरोग्य की दृष्टि से धोखादायक रहता है, मगर कोरोना के संकट में राष्ट्रीय कर्तव्य निभाते हुए ये कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। कोरोना रुग्णों के रिश्तेदारों को मृतक के अंतिम दर्शन कराए जाते हैं और मृतदेहों की निश्चित संख्या होने पर शववाहिका लाई जाती है। प्रशासकीय प्रक्रिया तथा पंजीयन कर उन्हें शमशान भूमि में लाया जाता है। एक वाहन में मृतदेह तथा दूसरे वाहन में कर्मचारी मोक्ष धाम के शमशान भूमि में पहुंचते हैं और उधर कुछ कर्मचारी पहले से ही दहन विधि के लिए लकड़ियां रखते हैं। महानगर पालिका की ओर से लकड़ी, डीजल, पीपीई किट, बॉडी कवर तथा अंतिम विधि के लिए लगने वाले अन्य साहित्य मुफ्त दिया जाता है। प्रत्येक मृतक का अंतिम संस्कार उसके धार्मिक विधि के अनुसार किया जाता है। उसके बाद अस्थियों को जमा कर विसर्जन के लिए संबंधित मृतक के रिश्तेदारों को दिया जाता है और पिछले 9 महीनों से यह कार्य नियमित रूप से शुरू है और कोरोना योद्धाओं के परोपकार के इस कार्य की हर तरफ सराहना की जा रही है। CDBS कोरोना योद्धाओं के इस कार्य को सलाम करता है। वहीं संबंध में मनपा की ओर से जानकारी दी गई। पिछले 9 महीने से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं दिन रात। मैं, मेरे लड़के लोग, ये ठेकेदारी के लड़के हैं, संजीवनी संस्था है उसके लड़के लोग हैं। पहले 10 थे, फिर 10 लिए, अभी और आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि एक एक फ्लो बढ़ गया है बॉडियों का, इसकी वजह से। और ये लोग कहते हैं सुबह 6 बजे आते हैं, लोगों को अस्थियाँ देना पड़ता, सुबह 6 बजे आके ये पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह साफ करना पड़ता, इनको अस्थियाँ देना पड़ता लोगों की, ये करके फिर घर गए नहीं गए, फिर 10 बजे से इनका चालू हो जाता और फिर तो रात के 2-2, 3-3 बजे तक ये लोग यहाँ पे काम करते। कभी कभी डब्बा लाते मगर इनको खाने के लिए समय नहीं मिलता, डब्बा वैसे फेंकने में जाता। और कैसा है इनको जैसा लकड़ियाँ वजन करके लकड़ी डालना पड़ता, ये सरकारी दवाखाने से बॉडी लाना पड़ता, लोगों के घर पे अगर कोई मर गया पॉजिटिव वहाँ के कॉल आए तो वहाँ जाना पड़ता, ऊपर से वीमेंस हॉस्पिटल रामनगर वहाँ से बाड़िया लाना पड़ता। अभी तो ऐसा तकलीफ होती है और पीपी किट वगैरह की वजह से कैसा है इतना काम नहीं कर पा रहे ये लोग, उतना जो इनको होना चाहिए उतना काम नहीं होता क्योंकि पीपी किट वगैरह से जमता ही नहीं, डिहाइड्रेशन लग जाता है इनको, तकलीफ होती है, तबीयत खराब हो जाती है इनके। एक तो कैसा थोड़ा सा मिलता नहीं, फिर भी हमारे महापौर मैडम, उप महापौर, स्टैंडिंग के सभापति, आयुक्त सर, उपायुक्त सर, बारे सर, इनका मार्गदर्शन मिलते रहता बीच बीच में हम लोग को। तो ये लोग सतत कैसे हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, समझा था कुछ हमको मदद की आवश्यकता पड़ी तो इनको फ़ोन करते हम लोग, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए बोलना पड़ता है इनको।